विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को मिली सफलता के बाद अब अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। 90 के दशक में कश्मीरों के साथ हुए नरसंहार को दिखाने के बाद अब वो द दिल्ली फाइल्स बनाने जा रहे हैं। रविवार को चेन्नई में विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि द दिल्ली फाइल्स तमिलनाडु के बारे में भी बहुत कुछ सच बताएगी। डायरेक्टर ने आगे कहा कि ये सिर्फ दिल्ली के बारे में ही नहीं, ये दिखाता है कि दिल्ली कितने सालों से भारत को नष्ट कर रही है, जिसने दिल्ली में देश पर शासन किया, कैसे उन्होंने मुगल राजाओं से लेकर अंग्रेजों से लेकर आधुनिक समय तक सब कुछ नष्ट कर दिया। इतिहास साक्ष्य और तथ्य आधारित होना चाहिए, ये कथा आधारित नहीं होना चाहिए। भारत में समस्या है कि यहाँ बहुत से लोग कथा या उनके राजनीतिक और भारत के राजनीतिक एजेंडों के आधार पर इतिहास लिखते हैं और इसीलिए महान हिंदू सभ्यता को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि हम कमजोर लोग हैं और हमने जो कुछ भी सीखा है वो पश्चिमी शासकों या आक्रमणकारियों से सीखा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि 1984 भारत इतिहास का काला अध्याय है। जिस तरह से पूरे पंजाब में आतंकवाद की स्थिति को संभाला गया था वो अमानवीय था और वोट बैंक की राजनीति के लिए था। इसीलिए पंजाब में कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पहले उन्होंने इसे बनाया और फिर इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद बहुत से निर्दोष लोगों को मार डाला और इस मामले को ढक दिया। आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन अगर लोगों को इतिहास पढ़ाया जाए और तथ्य बताए जाए तो लोग न्याय की मांग करते हैं और तभी सरकार झुकती है। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लोगों के बीच बढ़ती इस फिल्म की लोकप्रियता के चलते इसकी स्क्रीन भी बढ़ाई गई थी। छोटे से बजट में बनी फिल्म 2.5 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। द कश्मीर फाइल्स में अपने अभिनय के लिए तारीफ बटोरने वाले अनुपम खेर द दिल्ली फाइल्स का भी हिस्सा होंगे।